अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। मैं कश्मीर आई हुई थी, सो यहाँ पे बहुत ब्यूटी है, बहुत नाइस जगह है यहाँ पे। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वॉलनट का ट्री है, और भी मैं आपको विज़िट करूँगी, ऑरेंज बनाना वगैरह का। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ये भी उसमें वॉलनट लगे हुए हैं बट ये भी पक्के नहीं है। और भी मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ, ये देखिए ये वॉलनट है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के ट्री हैं। तो मैं यहाँ पे ईद करने आई थी, ये मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज से, ये देखिए करीब से देखिए, ये वॉलनट है। मैं यहाँ पे ईद करने आई थी, तो बस बेबीज़ मेरे बहुत खुश होते हैं यहाँ पे, उन्हें वो सही एंजॉय करते हैं। मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया, बस मेरे बेबी खुश होते हैं तो मैं भी खुश। यहाँ पे बहुत ब्यूटी है, हर चीज़ ग्रीन ग्रीन है, बहुत नाइस है। मैंने सोचा मैं आपसे वीडियो शेयर करती हूँ, मैं आपको बनाना का जो ट्री है उसका विज़िट करवाती हूँ। ये बनाना का ट्री है, ये भी ड्राई हो गया है, इसके सब बनाना लगते होते हैं, अभी तो इसके से कोई नहीं है। ये जो सामने है ये ऑरेंज का है, और वो जो पीछे है वो आई थिंक वो पीच का है। अभी फ्रूट्स वगैरह नहीं लगे किसी के साथ भी। शहर में जैसे कि हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत दूर दूर तक ट्री होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो जहाँ पे भी आप देखें ना तो बहुत सारे ट्रीज़ हैं माशाल्लाह। और इसकी वजह से यहाँ पे लोग बीमार भी बहुत कम होते हैं, लेकिन शहरों में आपने देखा होगा हम बहुत केयर करते हैं। यहाँ पे तो माशाल्लाह कोरोना का तो एक केस भी नहीं है, लेकिन शहरों में तो बहुत ज़्यादा इस तरह होते हैं। और मेरा बेबी है वो यहाँ पे बस आया, तो उसे गोट्स बिफेलो काओ वगैरह बस हर टाइम, अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो बस रो रहा है कि मुझे एक गोट दिखाएं। येली येलो, किधर जाना है, किधर जाना है, गोट के पास, गोट के पास चले। क्या करोगे गोट को, इसे इतनी गोट पसंद है, ये उनको पकड़ के किस करता है, हग करता है। जी किसके पास जाना है, गोट के पास। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कश्मीर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।